तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सोनान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल डिप्लोमा एडमिशन फॉर्म 2024-25 की, जिसकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई है। उसका कट ऑफ आप कैटेगरी वाइज देखें कि कितना रहेगा, जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी का। तो आइए एक एक स्टेप को देखते हैं। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आपने फॉर्म भरा था। अब इसमें अप्लाई हियर टू सीपीएसपी यानी कम्बाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस पर आएंगे। आज से काउंसलिंग भी इसकी शुरू हो गई है। आज 24 तारीख है, आप से यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आगे की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। यहाँ से आपको जाना है क्लिक हियर करते हुए, यहाँ पर अपनी डिटेल को फिलअप करना है। यहीं जब आप जाएंगे तो आगे स्कोर कार्ड आपको दिखेगा। स्कोर कार्ड में आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, देखिए कुछ इस तरीके का नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ यहाँ पर स्कोर कार्ड दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कोर कार्ड में जनरल रैंकिंग की जो है 9075 है और इनके जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो 72 है, यानी इनका 72 के आसपास नॉर्मलाइजेशन स्कोर आया। और यहाँ पर जो है 10th में CGPA इनका 442 और इसकी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका मार्क्स 12th में 361 है। तो यानी टोटल इनका करीब करीब 72% बनता है उस तरीके से। तो यहाँ पर इनकी जनरल रैंक जो है वो 9000 जो है 9075 बनती है और 1469 जो है यहाँ पर कैटेगरी रैंक इनकी बनती है। तो यहाँ पर आप सवाल ये उठता है कि क्या इनका सिलेक्शन होगा, क्या इन्हें कोई डिप्लोमा कोर्सेस मिल जाएगा। आइए इन्हीं सब मुद्दों पर आप बात करते हैं कैटेगरी वाइज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्रोस्पेक्टस में कैटेगरी वाइज जो है मतलब यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया गया था कि किस कोर्सेज की कितनी सिलेक्शन सीटें हैं यहाँ पर। तो ये सभी सीटें आपने देख ली होंगी, अलग अलग कोर्स की डिप्लोमा कोर्सेज की यहाँ पर सीट दी गई हैं। तो यहाँ पर जो टोटल सीट्स दी गई हैं, इन सभी डिप्लोमा कोर्सेज जो करीब 28 प्रकार के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, 28 प्रकार के कोर्सेज हैं, इन सभी को अगर मिला लोगे तो 6428 सीट्स बनती हैं। यानी कितनी टोटल सीट्स बनती हैं, करीब करीब 6428 सीट्स आप टोटल करेंगे तो हर डिप्लोमा कोर्सेज की मिलाकर इतनी बनती हैं। अब आप सोचिए कि जो 72% जिसका स्कोर कार्ड है उसकी जो रैंक है वो है 9000, यानी 9000 प्लस है जनरल रैंक। अब अगर जनरल का बंदा होगा तो उसके लिए अगर सभी का रिजर्वेशन लगा देते हैं तो करीब करीब 3000 जो है करीब 3000 के आसपास सीट्स ही होंगी, 3000 के आसपास सीट्स 2900 सीट्स ही होंगी, क्योंकि ये टोटल का 40% ही होती हैं। बाकी 50% अलग रिजर्वेशन और 10% EWS का रिजर्वेशन रहता है। तो यहाँ सामान्य वर्ग के लिए करीब करीब जो है आधी सीट्स हैं, आप मान के चलिए जो अनरिजर्व सीट्स हैं वो करीब करीब 3200 सीट्स हैं। अगर हम 3200 सीट्स की आकलन करते हैं तो जिसकी रैंक जनरल कैटेगरी में, अब ये मान के चलिए जो है 5000 जनरल रैंक जो आपकी है वो 5000 रैंक तक है, 5000 रैंक, हम ये ओपन रैंक की बात कर रहे हैं, ये रैंक है 5000 रैंक तक है जनरल में, तो उसे सिलेक्शन किसी न किसी कट ऑफ में मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर ओबीसी की हम बात करते हैं तो ओबीसी में अगर उसे सीट कोई ना कोई सीट चाहिए तो उसकी सीट जो है करीब करीब 5500 के आसपास होनी चाहिए और वो उसे रैंक मिल जाएगा। इसी तरीके से एससी कैंडिडेट में आप मान के चलिए करीब करीब 7000 जो है रैंक तक, फिर उसी तरीके से एसटी में भी जो है करीब करीब 9000 के ऊपर, 9000 या 10000 तक रैंक में उसे सिलेक्शन मिल जाएगा। इसी तरीके से बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में आपका जो है करीब करीब 8000 रैंक तक अगर आपका है तो उसे कोई ना कोई डिप्लोमा मिल जाएगा। क्लियर है, कोई ना कोई डिप्लोमा उसे मिल जाएगा। ये जो कट ऑफ हम बता रहे हैं कैटेगरी वाइज, ये कोई भी डिप्लोमा मिलने के हैं। अगर आप सारे डिप्लोमा भर दें तो कोई ना कोई डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो सबसे फेमस डीएमएलटी है जिसके लिए सबसे ज़्यादा मारामारी रहती है, इस कोर्स की बात अगर करते हैं तो आप यहाँ पर आप देखेंगे डीएमएलटी में जो सीट्स हैं वो 1270 हैं। अब आप आ जाइए, 1270 सीट्स पाने का मतलब है कैटेगरी जनरल रैंक के लिए करीब करीब 600 सीट्स हैं। अब इसी के लिए सबसे ज़्यादा मारामारी है। तो यहाँ पर हम डीएमएलटी की बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर जब डीएमएलटी के लिए हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा, इसे आप देख लीजिए, ये डीएमएलटी का यहाँ पर जो सीट्स का ब्यौरा दिया गया है
उसे आप देख सकते हैं, लाइव टेक्नीशियन का 1200 जो है यहाँ पर पोस्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डी एम एल टी में जो कैटेगरी वाइज है उसमें अगर हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपको सीट नंबर कितनी ओपन, हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो ओपन रैंक से बात करेंगे, यानी क्योंकि उसी के हिसाब से काउंसलिंग होगी आपकी, तो हम ओपन रैंक के हिसाब से ही बात करने वाले हैं। तो यहाँ जनरल रैंक में अगर आपकी जो है जितनी यहाँ पर दी गई है यानी करीब करीब 1000 के आसपास अगर रैंक जनरल रैंक है तो आपको DMLT मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप OBC में हैं तो आपकी अगर 1300 के आसपास है तो आपको रैंक मिल जाएगी, यानी DMLT मिल सकता है। इसी तरीके से SC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1600 तक अगर है उसकी तो उसे मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बात कर लीजिए EWS की, तो EWS की जो है वो भी अगर 1600 के आसपास तक है तो उसे DMLT मिलने के पूरे चांसेस हैं। ST में अगर वो कैंडिडेट अगर 2000 रैंक तक भी है तो उसे ओपन रैंक है उसकी तो ये उसे मिल जाएगा। क्लियर, आप समझ रहे हैं DMLT का हमने इस तरीके से बताया। DMLT में आप देख सकते हैं कि अगर इतनी इतनी रैंक है, आप परसेंटेज आपका जो भी है, आप ओपन रैंक जो हमने दिखाई थी ओपन रैंक आपको समझ लेनी है, उसी हिसाब से आप टॉप पर, क्योंकि इसे ही सबसे ज़्यादा लोग भरेंगे, DMLT को ही प्रेफरेंस देते हैं सभी लोग, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन कोर्स होता है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इस DMLT के लिए जो रहेगा वो लगभग ये रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो लग रहा ठीक है, आपको चीज़ें हैं, क्योंकि लगभग इसी के आसपास हर साल जाता भी है और इस बार फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भरे गए हैं तो कट ऑफ भी थोड़ा सा ऊपर ही रहने वाला है पिछले सालों के कंपेयर में। तो इस प्रकार आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। अब आपको प्रेफरेंसेस भरने हैं। प्रेफरेंसेस भरने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर यहाँ जो ये कोर्सेज दिए गए हैं सारे 28 कोर्सेज हैं, तो इनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए। एक लिस्ट बना लेंगे, जैसे एक लिस्ट आप बना लेंगे कोर्सेज को कि किसे नंबर एक पर रखना है, किसे दो पर रखना है, किसे तीन पर रखना है, तो वो लिस्ट आप और उससे साथ साथ में कॉलेज ले लेना है कि KGMU लेना है कि कौन सा कॉलेज लेना है, उस किस कॉलेज का कौन सा कोर्स टॉप पर रखना है, तो एक लिस्ट आप बना लीजिए, उसी हिसाब से चॉइस प्रेफरेंसेस कर लीजिए। क्योंकि आज करना है आपको तो एक दो दिन मिलता है मौका, ज़्यादा मिलता नहीं है इसमें चॉइस रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के लिए, तो आप प्रॉपर वे में एक लिस्ट बनाकर ही सामने बैठें और काउंसलिंग कराएं। और जहां पर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जिसका रैंक इसके अंदर है उसे बहुत बहुत बधाई और उसे पूरे चांसेस हैं यहाँ पर मिलने के लिए, और जिनकी रैंक कम है इससे ज़्यादा रैंक हो गई है उनके लिए भी चांसेस हैं, वो वेट करें अगले राउंड के लिए, अगली काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग सीट्स को छोड़ते हैं तो यहाँ पर समस्याएं ये हैं, इसलिए उन्हें वेट करना चाहिए अगली काउंसलिंग का जिनका है। बाकी सभी को बधाई, जितने लोगों ने फॉर्म भरा और उनकी मेरिट लिस्ट देख लिया होगा, तो आप रैंक और ओपन रैंक जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, जिससे हम आपको एग्जैक्टली बता सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।